दिल्ली पुलिस की जांच टीम ने अपने ही एक हेड कांस्टेबल को एक महिला कांस्टेबल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के आरोपी हेड कांस्टेबल को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने साल 2021 में महिला कांस्टेबल की हत्या की थी और उसके शव को नाले में छिपा दिया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 2 साल बाद मृतक के कंकाल बरामद किए हैं। दुर्भाग्यवश जो मेन अक्यूज्ड है वो भी दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल ड्राइवर है, सुरेंद्र सिंह राणा, अलीपुर का कहने देने वाला है। वो पीसीआर में पोस्टेड है और ये लड़की भी पहले पीसीआर में पोस्टेड रही है और इसने उस दौरान इसने उससे दोस्ती कर ली थी और बाद में इसको गुमराह करने लग गया था और बाद में ये लड़की सेलेक्ट हो गई यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर। साथ ही ये यूपीएससी की भी तैयारी कर रही थी और पीजी में रह रही थी मुखर्जी नगर में। अब इसने इसके ऊपर कुछ दबाव बनाना शुरू किया और बाद में लड़की पे दबाव बनाना शुरू किया। लड़की पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ब्रिलियंट थी और वो पढ़ाई में फोकस रखना चाहती थी। ये उसको कि घुमाने चल, इधर चल, उधर चल, ये उसके साथ गलत संबंध बनाने के प्रयास में लगा हुआ था और जब वो उसकी बात नहीं मान रही थी तो इसने गुस्से में आके उसका मर्डर कर दिया। और एक नाला है बुराड़ी पुश्ता अलीपुर के एरिया में, वहाँ पे सुनसान जगह पे ले जाके उसका मर्डर किया, उसके ऊपर पत्थर वत्थर डाल दिए ताकि वो बॉडी ऊपर ना आ सके। और सबसे हैरानी की बात यह है कि काफ़ी दिन तक ये उनको गुमराह करता रहा पूरी फैमिली को कि मैं तो उसके बहुत क्लोज था, मैं आप लोगों के बहुत क्लोज हूँ। और थाने में जाता रहा कि मैं जैसे पैरवी कर रहा है उसकी कि उसको ढूंढो, पुलिस को ढूंढो, जबकि खुद मर्डर किया हुआ है। और सबसे ज़्यादा शातिराना काम ये किया कि अपने साले की ड्यूटी लगाई कि तू पंजाब में जाके इधर उधर जाके फैमिली को फ़ोन करेगा कि मैं अरविंद बोल रहा हूँ और ये हमने भाग के शादी कर ली है इस लड़की और हमने, और चूंकि मेरे घर वाले इसके ख़िलाफ़ हैं और वो मुझे मार डालेंगे इसलिए हम छुप के रह रहे हैं, हम बाद में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये करता रहा तो काफ़ी दिन हो गए थे। और फिर फैमिली ने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि इसकी और प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन हो, तो क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफ़र हुआ था अभी। तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया और प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस नंबर पे हमने फोकस किया जिसके कॉल आती थी, वो फेक आइडेंटिटी पे था। फिर उसको आगे चेक किया कि किसकी फ़ोटो है, फिर उस फोटो वाले को पकड़ा, वो ढूंढा हमने। उस फोटो वाले ने कहा कि मैंने तो फ़ोटो उस फला आदमी को दी थी, उस आदमी से आगे इसके साले का लिंक मिला। तो धीरे धीरे परत पे परत बड़े ही अच्छे इन्वेस्टिगेशन से खुली और फिर फाइनली इसको पकड़ा। जब इसके पास कोई चारा नहीं बचा क्योंकि इसके खिलाफ सारे सबूत आ गए, तब जाके इसने कबूल किया। लेकिन कबूल करने के बाद इसने फिर से एक गुमराह करना शुरू किया। हमने कहा अब कहाँ पर बॉडी है, वो तो यमुना में धक्का मार दिया था, यमुना में बह गई। तो काफ़ी समय हमारा उसमें चला गया, जब हम यमुना किनारे के जितने थाने थे, कोई मिसिंग उस समय हो, कोई बॉडी रिकवर हुई। लेकिन फिर जब हमें लगा कि फिर से ये झूठ बोल रहा है, फिर इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से पूछताछ हुई, तब इसने कल जाके उस बॉडी को हमारे से बरामद करवाया। फॉरेंसिक टीम को हमने बुलाया और वहाँ पे नाले में उसके जो रिमेन्स थे स्केलेटल वगैरह के, वो रिकवर हुए फॉरेंसिक टीम से। अब इसको हम डीएनए जांच के द्वारा इसको कॉरोबरेट करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।